प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो ये कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद टू. सो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये वाला प्लस टू जो था वो हम इधर ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बींग द स्क्वायर्स और सम है, तो बींग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड साइड मेरी हमेशा पॉजिटिव आएगी. लेफ्ट हैंड साइड में आई एम हैविंग साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू. हमें पता है साइन जो थीटा है आपका दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, तो इसका जो स्क्वायर है इट मीन्स दैट विल लाई बिटवीन जीरो टू वन, क्योंकि नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करोगे दैट विल बिकम पॉजिटिव. तो जीरो से वन के बीच में जो है इसका आपका स्क्वायर लाए करेगा. अब इसका स्क्वायर जीरो से वन के बीच में लाए कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो जीरो से वन के बीच में आएगी. जीरो से वन के बीच में से वैल्यू में से अगर आप टू माइनस करते हो तो दैट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. तो एज साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू वन, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वन होगी, तो ये हमेशा जीरो से लेस होगा. एंड दिस कैन नॉट बी इक्वल टू अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बींग सम ऑफ टू स्क्वायर्स, बींग सम ऑफ टू स्क्वायर्स is always positive. अब क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए x की ये आपका जो है sin theta equal to x plus 1 by x जो है this will not exist. So this is your first question. Now moving on to the next one. If any doubt is there in this question, then you can ask for the doubt. Otherwise, moving on to the next question now. Next में जो है हम पहले simple वाले से start करेंगे. हमें जो है given है three sign prove करना है that साइन ऑफ माइनस 690 कन्वर्जन्स हैं इसी में आपकी. तो सिंपली जो है डायरेक्ट कन्वर्जन्स नहीं हम कर रहे, जो हमारे वन मार्क क्वेश्चन थे उस तरह की नहीं है ये, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन जो हैं वो वन मार्क वाले नहीं आने हैं टर्म में. तो वन वन मार्क्स वाले यू कैन से कि कंबाइन करके हमने टू मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. इसमें आपको साइन ऑफ डिफरेंट एंगल्स दे दिए जाएंगे, बीच में कुछ उनके साइन हो सकते हैं, कुछ उनकी वैल्यूज हो सकते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इट विल बी गिवन एंड देन यू आर टू सिंप्लीफाई. लाइक हमें गिवन है प्रूव करना है साइन ऑफ माइनस 690 साइन ऑफ माइनस 690 डिग्री cos of minus 300 degrees plus cos of minus 750 degree and sine of minus 240 degree is equal to 1. तो हमें जो है साइन ऑफ माइनस 690 cos of minus 300 plus cos of minus 750 degree साइन ऑफ माइनस 240 degree equal to 1 शो करना है. लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस 690? इनको अलग अलग से वैल्यूज कैलकुलेट करो और बताओ मुझे. 690 को सिंप्लीफाई करो, क्या लिख सकते हो? चारों वैल्यूज निकालो एंड क्विकली टेल मी. हरी अप. साइन ऑफ माइनस 690 साइन ऑफ माइनस थीटा यू नो दैट इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस 690 इट मीन्स यू आर सॉल्विंग. माइनस 690 को सिंप्लीफाई करो,
पहले इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, रीराइट कर लो। मैंने इसको लिख लिया 720 माइनस 30। अब 720 मींस 90 इनटू एन इवन नंबर, 90 इनटू एन इवन नंबर मींस दिस वैल्यू विल नॉट चेंज। 720 माइनस 30, 720 जो है वो आपका वन राउंड टू राउंड यहाँ कंप्लीट हुए, यानी कि आप यहाँ पहुंच गए। माइनस 30 मींस यू आर अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में योर दिस साइन इज नेगेटिव, तो ये आ गया आपका माइनस साइन 30, यानी कि दिस इज इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू यू नो दैट इज 1/2। सेम वे में आप कॉस 300 को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो 300 को यू कैन राइट डाउन एज 360 माइनस 60। अब 360 मींस 19 टू इवन नंबर, अगेन 19 इंटू इवन मीन्स कॉस आपका कॉस ही रहेगा। 360 माइनस 60 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस 60 इज अगेन 1/2। अब बाकी की दो वैल्यूज बताइए जल्दी से। कॉस माइनस 750 इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, 750 है तो 720 प्लस 30, और यहाँ पे माइनस साइन 240, 270 माइनस 30। डू इट फास्ट। कॉस 720 मीन्स 19 टू इवन नंबर, तो कॉस का कॉस रहेगा। 720 प्लस 30 मींस अगेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस इज कॉस 30, दैट इज √3/2। यहाँ पे दिस इज माइनस साइन, अभी यहाँ देखते हैं पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। 270 मींस 19 टू ऑड नंबर, 93 जार होता है, 19 टू ऑड मींस साइन जो है दैट विल चेंज टू कॉस, और 270 माइनस 30 यानी कि दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन जो है आपका नेगेटिव है, तो माइनस कॉस आ जाएगा, एंगल आपका एज इट इज आता है, सो दिस इज अगेन कॉस 30, दैट इज √3/2। अब वैल्यूज पुट कर दो एंड गेट योर आंसर। साइन माइनस 690 जो है दैट इज 1/2, देन अगेन कॉस 300 इज 1/2, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, देन एड का साइन, देन अगेन दोनों का प्रोडक्ट, तो दैट इज अगेन √3/2 एंड √3/2। सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस एज 1/4 प्लस 3/4, दैट इज 4/4, दैट इज इक्वल टू 1, विच इज योर राइट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी एंड वी हैव प्रूव्ड दैट टू बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले 1-1 मार्क में सिंपली वैल्यूज आती थी, अब ये वैल्यूज इस तरीके से आपकी कंबाइन कर दी जाएंगी। सेम वे में यहाँ पे 2, 3, 4 या आगे कोई भी नंबर आपका जो है वो ऐड किया जा सकता है। सो इन दिस वे यू विल प्रोसीड। 1 टाइप आपने ये करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर हैविंग tan पाई बाय 20, tan 3 पाई बाय 20, tan सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, tan पाई बाय 20, tan 3 पाई बाय 20, tan 5 पाई बाय 20, tan 7 पाई बाय 20 एंड tan 9 पाई बाय 20, यानी कि पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड 9 पाई, और अपॉन में 20 है और हर वैल्यू आपकी tan के साथ है।
सेवन पाई बाय 20, टेन नाइन पाई बाय 20। हमें सिंप्लीफाई करना है, तो वी आर टू सिंप्लीफाई दिस। देखो टेन फाइव पाई बाय 20 को अगर आप देखो तो दिस इज टेन पाई बाय 4। अब इधर इसको देखो, सेवन पाई बाय 20 है, सेवन पाई को आई कैन राइट डाउन एज टेन, टेन माइनस 3, तो वहां से मेरे पास 3 पाई की फॉर्म आ जाएगी। सेम वे में 9 पाई को आई कैन राइट डाउन एज 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9 जो है अगेन 1 पाई बाय 20 की फॉर्म आ जाएगी। तो इसको आप रीराइट करोगे, पहले तो 5 पाई बाय 20 1 ले लेंगे, 1 बाय 4 ले लोगे आप इसको, तो दिस इज 10 पाई बाय 4, दिस इज 10 7 पाई बाय 20 and 10 9 pi by 20। अब इसको आप रीराइट कर लो, सेवन पाई बाय 20 को रीराइट करिए एस 10 पाई माइनस 3 पाई by 20, जब आप इसको लेके चलोगे this will be 10 pi by 20 यानी कि pi by 2 minus 3 pi by 20। तो यहाँ पे आप rewrite कर लेंगे इसको, 10 pi by 20, 10 3 pi by 20, 10 pi by 4 as it is, ये rough में कर लेना अपने लिए। तो यहाँ पे बन जाएगा ये आपका 10 7 पाई बाय 20 को हमने लिख लिया पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 20, सो दिस इज पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 20। सेम वे में 10 दिस इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 20, 9 जो है आपका पाई बाय 20 दैट विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 20। अब इनको अगेन कन्वर्ट कर लोगे, टेन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, अगेन दिस इज टेन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, तो टेन थीटा दोनों केसेस में सेम होगा, तो दैट विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1, टेन पाई बाय 20, टेन 3 पाई बाय 20, टेन पाई बाय 4 इज 1, देन दिस इज अगेन कॉट 3 पाई बाय 20 एंड दिस इज कॉट पाई बाय 20। अब cot pi by 20 और tan pi by 20 एक दूसरे का reciprocal है तो cancel out हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे का reciprocal है तो cancel out हो गए, तो we are left with the answer as 1, तो इसका answer आपका आ जाएगा 1। So this was your question. Now moving on to the next one. So same ये conversions थी आपकी। अब next हम ले रहे हैं exemplar के भी मैं बीच में करवा रही हूँ question। We are having tan of 13 pi by 12. Evaluate tan 13 pi by 12. इसको हम rewrite करेंगे tan of a plus b की फॉर्म में, जिसमें हमें वैल्यूज पता हो किसी की, तो क्या ले सकते हैं एनी वन ऑफ यू? मैंने इसको एक लिया, चलो 3 पाई बाय 4, अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा आपका पाई बाय 4 की, क्योंकि मेरे पास वैल्यू है, इसमें मैं अब क्या प्लस करूं कि ओवरऑल सिंप्लीफाई करके आई विल गेट 13 पाई बाय 12। एलसीएम मुझे 12 चाहिए, तो इट मींस अपॉन में 3 होगा, यहाँ पे पाई आना ही आना है तभी वो ऐड होंगे,
अब यहाँ क्योंकि फोर है, यहाँ थ्री है, तो थ्री थ्री जा नाइन मेरे पास यहाँ से आ गया, मुझे यहाँ क्या चाहिए, थर्टीन। तो यहाँ पे थर्टीन बनाने के लिए ये फॉर्म आ गई आपके पास। थ्री पाई बाय फोर में भी टेन की आपके पास वैल्यू है, पाई बाय थ्री की भी आपके पास वैल्यू है। तो सिंप्लीफाई दिस, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, एंड गेट योर आंसर। दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, तो सिंप्लीफाई, टेन थ्री पाई बाय फोर को अगेन आप कन्वर्ट करोगे, टेन थ्री पाई बाय फोर को अगर आप देखो तो दिस इज योर थ्री इंटू 180 बाय फोर, सेकेंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन आपका नेगेटिव होता है, तो दिस टेन थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो जहां जहां आपका टेन थ्री पाई बाय फोर होगा आप -1 पुट कर देंगे, टेन पाई बाय थ्री यानी कि टेन 60 डिग्री, दैट विल बी √3। तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपने कन्वर्जन कर लेनी है, 13π/12 आपका डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं पता है, तो उसको कन्वर्ट करके यू कैन रीराइट। सो दिस विल गिव यू द आंसर। अगर अपॉन में जैसे आपका यहाँ पे रूट की फॉर्म में आ रहा है, तो रैशनलाइज करके यू विल गिव योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग, इफ टेन ए इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस वन, टेन ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस वन एंड टेन बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए प्लस वन, देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए प्लस बी को हमने 45 डिग्री पुट करना है, मुझे टेन ए की वैल्यू गिवन है, टेन बी की वैल्यू गिवन है, तो इट मींस आई विल फाइंड आउट टेन ऑफ ए प्लस बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी टेन उधर ले जाके, यानी कि टेन में हम चेक कर लेंगे कि वो वैल्यू कहाँ पे हमें मिलती है। तो दिस इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। वैल्यूज पुट कर दो, टेन ए आपको गिवन है ए अपॉन ए प्लस वन, बी गिवन है वन अपॉन टू ए प्लस वन, वन माइनस ए अपॉन ए प्लस वन इंटू वन अपॉन टू ए प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट आर आंसर। ए प्लस वन इंटू टू ए प्लस वन मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, सो वी विल बी हैविंग टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस वन, और अपॉन में अगेन ये उधर चला जाएगा, ए प्लस वन इंटू टू ए प्लस वन माइनस ए अपॉन में ए प्लस वन इंटू टू ए प्लस वन। डिनोमिनेटर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी विल बी लेफ्ट विद, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। दिस इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए प्लस वन अपॉन में, दिस इज टू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस टू ए प्लस वन माइनस ए। तो दिस इज माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट होके, टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए प्लस वन अपॉन में भी टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए प्लस वन, ये कैंसिल आउट होके टेन ऑफ ए प्लस बी आ गया मेरे पास वन। अब टेन में वैल्यू वन कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे, टेन थीटा इक्वल टू वन यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा की जगह हमारे पास यहाँ क्या है, ए प्लस बी। तो दिस वी हैव प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एग्जाम्पलर का था आपका क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट में हमें गिवन है कॉस टू थीटा कॉस टू फाई, कॉस टू थीटा कॉस टू फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टू फाई। हमें ये प्रूव करना है। अब मुझे जो प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दैट कॉस ऑफ टू थीटा कॉस ऑफ टू फाई प्लस ये कॉस स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं ये रिमूव करनी है। तो कॉस स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं रिमूव करने के लिए इनको मैं पहले साइन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। साइन का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, या अदरवाइज आप अगर चाहो तो डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हो। दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई एंड दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉस स्क्वायर को रीराइट कर लिया इनटू साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर। अब जब आप ब्रैकेट्स खोलोगे दिस विल बी माइनस वन एंड दिस विल बी प्लस, तो प्लस वन और माइनस वन आपके कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। अब इस पूरे को मैं ए ले लेती हूँ, इस पूरे को मैं अगर बी ले लेती हूँ तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब ए की जगह थीटा माइनस फाइव, बी की जगह थीटा प्लस फाइव वैल्यूज पुट कर दो। तो दिस इज कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव प्लस यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे साइन स्क्वायर साइन ऑफ ए प्लस बी थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव ए प्लस बी, ए की जगह थीटा माइनस फाइव प्लस बी की जगह थीटा प्लस फाइव। तो a प्लस बी ये आ गया, देन साइन a माइनस बी, a की जगह थीटा माइनस फाइव और माइनस b की जगह इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस थीटा प्लस फाइव। थीटा माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव आपका कैंसिल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव। अब यहां मैंने एक मिस्टेक की है या ये करेक्ट है, चेक इट आउट। दिस इज साइन टू थीटा साइन टू फाइव, इज देयर एनी मिस्टेक और दिस वन इज करेक्ट? चेक इट आउट क्विकली, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है दैट इज कॉस टू थीटा कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टू फाइव। अगर मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देखूं तो दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन प्लस साइन ए साइन बी, माइनस आएगा अगर यहाँ प्लस होता है और अगर यहाँ माइनस होता है देन वी गेट द प्लस साइन। तो मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे, व्हाट इज दैट मिस्टेक टेल मी। वन मिस्टेक आई हैव मेड इन द सेकंड लास्ट स्टेप, यू कैन सी दैट मिस्टेक। मैम माइनस फाइव प्लस फाइव कट जाएगा। कहाँ पे मैम? वो जो सेकंड लास्ट स्टेप में लास्ट में है साइन। हाँ तो यहाँ वही मैं कह रही हूँ कि मैंने एक क्या मिस्टेक की है, वन मिस्टेक आई हैव मेड। माइनस फाइव आएगा लास्ट में, यहाँ पे माइनस आएगा। यस दिस इज माइनस फाइव। तो जब ये साइन ऑफ माइनस टू फाइव बनेगा, साइन ऑफ माइनस टू फाइव बना तो माइनस आप बाहर ले लोगे तो ये कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव माइनस साइन टू थीटा साइन टू फाइव हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो नेगेटिव बाहर आ गया। अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ऑफ
ए प्लस बी का आपका फॉर्मूला आ जाएगा. सो दिस इज कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टू फाइव इक्वल टू आर एच एस. आज हम बिल्कुल सिंपल वाले कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट कल से थोड़े से और कॉम्प्लेक्स उठाएंगे. और बुक वाले क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मुझे गिवन है इफ टेन थीटा इज इक्वल टू If tan theta is equal to x tan x sin phi upon 1 minus x cos phi, x sin phi upon 1 minus x cos phi and tan phi is equal to y sin theta upon 1 minus y cos theta, then we are to prove that sin theta upon sin phi, yeah, sin theta ratio sin phi is equal to this. Write down the statement. हमें साइन थीटा और साइन फाई की रेशियो जो है दैट वी नीड टू फाइंड आउट. हमें टेन थीटा गिवन है, टेन फाई गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो साइन थीटा अपॉन साइन फाई. साइन थीटा और साइन फाई चाहिए तो टेन थीटा को हम रीराइट कर लेंगे साइन बाय कॉस में. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस फाइ इक्वल टू एक्स साइन फाइ कॉस थीटा. सो दिस विल बी साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस फाइ माइनस एक्स साइन फाइ कॉस थीटा. यहाँ साइन थीटा है और कॉस फाइ है. एक्स आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, दिस इज इक्वल टू जीरो. तो साइन, या आप साइन थीटा इज इक्वल टू ऐसे ले लो, क्योंकि साइन थीटा और साइन फाइ का हमें रेशियो निकालना है. तो यहाँ से साइन थीटा आ गया आपके पास, एक्स कॉमन ले लोगे. This is sin A cos B plus cos A sin B. Sin A cos B plus cos A sin B. इसका फॉर्मूला होता है sin A cos B plus cos A sin B. That is, हाँ जी, sin A cos B plus cos A sin B. That is sin of A plus B. सेम वे में राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो. साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ इज इक्वल टू वाई साइन थीटा अपॉन वन माइनस वाई कॉस थीटा. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन फाइ की वैल्यू निकाल लोगे. So this sin phi is equal to y sin theta cos phi plus y cos theta sin phi. Same way में y common लेके, this is sin a cos b plus cos a sin b. So that is sin of a plus b. अब ये साइन थीटा आ गया एक्स साइन थीटा प्लस फाइव.
साइन फाई आ गया, वाई साइन थीटा प्लस फाई, हमें जो प्रूव करना है दैट इज साइन थीटा अपॉन साइन फाई. तो इसको इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन वन, डिवाइडिंग वन बाय टू. साइन थीटा बाय साइन फाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू वाई अपॉन में वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्म, ये कैंसिल आउट होके दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. सो साइन थीटा अपॉन साइन फाई है, यहाँ पे मैंने थीटा लिख दी है, दिस इज फाई. This is equal to x sine of a plus b upon y sine of a plus b, cancel out होके x और y रह जाएगा हमारे पास. So this is your answer. Okay. So rest of the questions we will do tomorrow. If any doubt is there from today's lecture, then